मैं कपिल मुनेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट से आजादी को 75 साल हो गए, आज तक कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बना। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से भी ये बात शेयर की कि आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में आपके वजह से इतिहास लिखा जा रहा है। कोई भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज तक सेंटर में कोई मिनिस्टर नहीं बना था, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे MOS बना हूँ। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में आपके आशीर्वाद से मेरा नाम दर्ज होगा। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से कहीं मंत्रालय है उनकी सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय उचित प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश आपके सांसद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री कपिल मुनेश्वर पाटिल जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, चलिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। शुरुआत की आपके दिन, शुरुआती राजनीति किस तरह से शुरुआत हुई, क्योंकि आप लोकसभा में भिवंडी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल पारी जो है वो कहाँ से शुरू हुई। मेरा ग्रेजुएशन हुआ 84 में, जैसे ग्रेजुएशन हुआ मैं गया बिजनेस में। उसके बाद मैं 89 में ग्राम पंचायत का चुनाव गांव में होने जा रहा था। गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने कहा मुझे बुला के कि पंचायत का चुनाव आया है, कोई अच्छे 9 मेंबर हुआ करते थे तो 9 मेंबर हमारे चयन करने हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे के किसको किसको चुनना है इसका लिस्ट बनाओ। मैंने 9 लोगों का लिस्ट बना के बड़े लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने देखा लिस्ट और बोला इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। बोला मुझे तो नहीं चुनाव लड़ना है। उन्होंने बोला अरे आपको तो सरपंच बनाना है, आपका नाम तो पहले डालना चाहिए। फिर उन लोगों ने एक नाम काट के मेरा नाम डाल दिया, वहाँ से मेरे राजनीति की शुरुआत हो गई। वैसे तो कॉलेज के ज़माने में भी मैं राजनीति करता था, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में थे तो मैं कॉलेज में CR GSA दोनों पदों पर कॉलेज में भी काम किया है। और अच्छा काम करके स्टूडेंट जो हमारे हैं उनकी जो समस्या थी वो ख़त्म करने के लिए उन योगदान दिया था। और यही बात ध्यान में रख के गांव के लोगों ने मुझे सरपंच चुना। 89 में सरपंच हुआ, फिर 92 में ब्लॉक पंचायत का चुनाव आया तो गांव ने देखा कि गांव में अच्छा काम किया, इसको तहसील में भेजते काम करने के लिए। फिर ब्लॉक का चुनाव लड़ा, वहाँ पर चुन के आया, वहाँ पर काम किया। फिर पंचायत ब्लॉक पंचायत का मैं चेयरमैन बना तो वहाँ पे भी अच्छा काम किया। फिर लोगों ने सोचा इसको जिला पंचायत में भेजना चाहिए, फिर जिला पंचायत में गया। जिला पंचायत में लगभग 15 साल मैंने काम किया। वहाँ पे पहले वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग का चेयरमैन बना, फिर जिला परिषद का प्रेसिडेंट बना, उसके बाद में DCC डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसका भी चेयरमैन बना। जनरली ऐसा होता नहीं डिस्ट्रिक्ट के राजनीति में कि कोई सक्रिय राजनीति में है वो कोऑपरेटिव राजनीति में नहीं जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दोनों क्षेत्र में मैंने काम किया, सक्रिय राजनीति में भी किया और कोऑपरेटिव में भी किया। तो दोनों का अनुभव इसके वजह से मुझे प्राप्त हुआ और वही नींव रखी गई लोकसभा में आने की। जो डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया तो दोनों साल, 2.5 साल की मेरी जिला परिषद के अध्यक्ष की टीम, जिला परिषद के अध्यक्ष का मेरा कार्यकाल था 2.5 साल का, वो 2.5 साल में दोनों साल महाराष्ट्र में अव्वल स्थान पे थाना जिला परिषद को लाने का काम मैंने किया और उसका पुरस्कार भी लिया। तो घर घर में नाम पहुंचा हुआ था। और फिर मैं उस वक्त काम करता था NCP पार्टी में जी। तो BJP का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हुआ और BJP ने मुझे कहा कि आप अगर आते हो तो आपको चुनाव लड़ाते हैं।
तो फिर मैं बीजेपी में शामिल हो गया 14 में, मेरे को टिकट दिया। सर ये मेरे लिए एक जानकारी का विषय है कि आखिर क्यों एनसीपी छोड़कर आपने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया? ऐसा था कि मेरा पिंड ही पहले से राजनीतिक था और लोगों की सेवा करना ये मेरा मकसद था। तो वहाँ पे जो लोकसभा थी वो कांग्रेस के पास थी, वहाँ पे जो विधानसभा थी वो एसटी रिजर्व थी। तो जिला पंचायत के आगे मैं कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकता था, मेरे लिए दिक्कत वो थी क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। तो लोकसभा उनके पास होने के कारण मैं वो लड़ नहीं सकता था और विधानसभा एसटी होने के कारण वो लड़ नहीं सकता था। तो ये अच्छा मौका मुझे मिला मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, और उस वक्त मोदी जी की लहर भी चल रही थी, तो मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा लोकसभा में। लोकसभा में ये मेरा सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म में ही मुझे राज्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला। और मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट से आज़ादी को 75 साल हो गए, आज तक कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बना था। अच्छा, हाँ जी। ये जब मैं वोट लेने वाला था उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने चाय पे हमको उनके निवास पे जब बुलाया था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से भी ये बात शेयर की कि आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में आपके वजह से इतिहास लिखा जा रहा है, आपके आशीर्वाद से इतिहास लिखा जा रहा है कि कोई भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज तक सेंटर में कोई मिनिस्टर नहीं बना था, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे MOS बना हूँ। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में आपके आशीर्वाद से मेरा नाम दर्ज होगा। ये मैं तो ऐसे ही हमेशा समझता हूँ कि ये मेरा सम्मान नहीं था, मेरे ज़िले का सम्मान था। और लोगों को मैं बड़े नम्रता से कहता था कि ये जो है मोदी जी के विचारों का सम्मान करने के लिए आप आए, जब हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकली क्योंकि तो पहली बार कोई सेंटर में मिनिस्टर बना था, इसलिए इतना लोगों का प्रतिसाद था उसको, हर जगह पे लोग बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा होकर मेरा स्वागत करते थे। तो मैं नम्रता से कहता था कि ये मेरा सम्मान नहीं है, मोदी जी के विचारों का सम्मान करने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर जैसा कि आपने बताया कि उस पंचायत से आपने शुरुआत की जो पहुंची भारत की संसद तक, सर एज अ मेंबर पार्लियामेंट, इससे पहले मैं कि आपसे एज अ मिनिस्टर बात करूं, एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए, आपने कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जनता के जो आपने भारतीय संसद में उठाए? देखो सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे काम थे जिसकी डिमांड लोग 60 सालों से कर रहे थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जैसे कल्याण मुरबाड़ की रेल है, हमारे बदलापुर का होम प्लेटफॉर्म था, हमारे कल्याण भिवंडी के लिए मेट्रो थी, हमारे यहाँ पे एक शाहपुर तहसील है वहाँ पे बारिश के वक्त अंडरपास में इतना पानी भरता था कि लगभग 50-60 गांवों का संपर्क ही टूटता था। तो वहाँ पे रेलवे के ऊपर RO भी बनाने का काम, ये ऐसे काम थे जो किसी से नहीं हुए, कई बार लोगों ने नारियल तोड़े लेकिन काम नहीं हो पाए। ये काम अभी अंतिम टप्पे में है, वो पूरे होके इसका अभी इनॉग्रेशन होगा। और कल्याण मुरबाड़ रेल का अभी ये बजट में प्रावधान किया, महाराष्ट्र सरकार ने भी आधा पैसा देने की बात करी है, हमारे अर्थमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको बजट में प्रावधान करके 50% पैसे का एलोकेशन इस बजट में कर दिया। और मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद से यहाँ पे भी हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने इतना मदद किया है कल्याण मुरबाड़ रेल के लिए कि मैं आपको उसके लिए वर्णन करके लफ्ज़ों में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं था, लेकिन उन्होंने वायबल करके उसको बिठा के जनता के मांग को पूरा करने का काम किया। और आपको मैं बताऊंगा कि लगभग 28,500 करोड़ के काम मेरे लोकसभा क्षेत्र में गए 8 सालों में हुए, जिसमें नितिन गडकरी साहब के माध्यम से भी बड़े बड़े रोड के प्रोजेक्ट, मेरे घर के पास से जाने वाला थाना भिवंडी बाईपास रोड जो बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक के लिए हुआ था उसको एंड लेन कराना, बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो मेरे क्षेत्र से जा रहा है, बुलेट ट्रेन मेरे गांव में से ही जा रही है, ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र को विकास के माध्यम से बदलने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। सर अब बात करते हैं
आपके मंत्रालय की, आप राज्य मंत्री हैं पंचायती राज में, बहुत आपको एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव की, जैसे आपने बात कही आपने पंचायती उससे अपनी शुरुआत ही की है राजनीति की, ऐसे में किस तरह की आपकी प्रायोरिटीज़ रही हैं और आप कितने अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं उन प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गाँवों का विकास इस तरह से होना चाहिए कि शहर में जितनी सुविधा है वो सारी सुविधा गाँव में मिले, ताकि गांव का कोई आदमी किसी भी काम के लिए शहर में ना आए। और यही सोच रख के हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी ये मंत्रालय में हमें मार्गदर्शन करके, हमें प्रोत्साहित करके काम करने का मौका दे रहे हैं। उनका इतना फोकस इन सारी चीज़ों के ऊपर है कि वो प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए योगदान दे रहे हैं, हम उनका सपना पूरा करने के लिए योगदान दे रहे हैं। और लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सब मिलके इस देश का जो सपना है कि गांव किस तरह से होना चाहिए, जो शहर को टक्कर देने वाला विकास गांव में हो, इसके लिए हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो उसको हम लोग अचीव करेंगे। अभी जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में, हम लोग जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन के 147 देश एक साथ में आके 2015 से लेकर 2030 तक जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के बारे में जो वहाँ पे तय हुआ, उसको कॉम्पैक्ट करके हमारे मंत्रालय में 9 गोल के ऊपर फोकस किया है। वो 9 गोल अचीव करने के लिए हम देश के हर एक राज्य में जाके कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे जनप्रतिनिधि जो सरपंच है, ब्लॉक पंचायत में काम करने वाले निर्वाचित लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में चुन के आने वाले सारे लोग हैं, उनको वहाँ पे इकट्ठा करके हर जगह पे 1200-1500 लोगों को बुला के हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करके अपने गाँवों का कैसे विकास करें, इसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। और लोग भी बहुत अच्छी तरह से उसको समझ के जाके अपने गाँवों में गाँव को विकास करने के बारे में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे दूसरा वाइब्रेंट विलेज बनाने के बारे में हमारे मंत्रालय के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से प्रयास हो रहे हैं। और गांव के सरपंच अभी इतने सारे एक्टिव हुए हैं कि बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान देके कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया अपने अपने गांवों में। मैं पंजाब गया था, पंजाब के एक सिरसोनी गाँव है, वहाँ पर ना सरकार की मदद ली गई ना किसी की मदद ली गई। एक सरपंच बना, उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसका भाई जब यहाँ पे किसी काम से आया, उसने देखा कि मेरा भाई सरपंच बना है, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने मित्रों से संपर्क किया और 40 मित्रों से उन्होंने कुछ पैसा लाके अपने गांव का ग्राउंड बनाया। उन्होंने पूरा गांव के चारों बाजू में रोड बनाए, बहुत अच्छी तरह से नालियाँ बनाई, तालाब का अच्छी तरह से डेवलप किया है। अगर आदमी करना चाहेगा तो सरकार के पैसे के बिना भी गाँवों का विकास कर सकता है। तो मैंने मजाक में ऐसा कहा था कि अगर ऐसा भाई हर एक सरपंच को मिले तो हम देश का विकास बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। अभी हमारे मंत्रालय के माध्यम से ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हेल्थ की सुविधा हो, गांव में रोजगार की सुविधा हो, अच्छे पानी की सुविधा हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 9, ये सारे 9 गोल अगर हम लोग अचीव करते हैं तो मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारे गांव से कोई आदमी शहर की तरफ ना रोज़गार के लिए आएगा, ना शिक्षा के लिए आएगा, ना हेल्थ के लिए आएगा, सारी सुविधा उसको गांव में मिलेगी। यह हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सोच है कि इस तरह से हमको गांव बनाने हैं। और दूसरा अभी ई ग्राम पंचायतें भी है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। GPDP लोड करना, ऑनलाइन लोड करना, ये सारा गांव में अभी होने लगा। लगभग 2,55,000 पंचायतें अभी ये काम कर रही है और प्लानिंग से लेके पेमेंट तक सारा ही पोर्टल पे काम हो रहा है। इसका मतलब अभी टेक्नोलॉजी जो है वो सारे पंचायतों ने अडॉप्ट कर लिया है, तो हमारा देश भी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांवों को विकास में योगदान देने के लिए तैयार हो गया। और हर एक गाँव का सरपंच, उसके मेम्बर, ये सारे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने गांव का विकास करने के बारे में अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये तय कर लिया है कि अभी कार्बन न्यूट्रल गांव करने के बारे में सब जगह पे चर्चा हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है
यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही स्पीच दिया था कि ओसो वो का वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया था, तो हमारे देश में भी इस तरह का काम होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे क्षेत्र में लगभग 121 प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव योजना में जो गांव सम्मिलित है वो सारे ट्राइबल गांव हैं, और सारे गांवों को सोलर ऊर्जा पे डालने के बारे में हमारा कोशिश चल रहा है, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। परसों जब मंत्री मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, जब हम लोगों ने महिला दिन का एक सम्मेलन किया था, लगभग 30,000 प्लस महिलाएँ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर मंत्री जी को ये प्रेजेंटेशन दिया। और मैं जहाँ पर रहता हूँ जिस तहसील में, वहाँ पे वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा कारोबार है, तो सारी पंचायतें सशक्त सक्षम है, एक एक पंचायत का खुद का इनकम 8 करोड़ किसी का है, किसी का 5 करोड़ है सालाना, किसी का 3 करोड़ है। इसमें ऐसी 15 पंचायतें हम लोगों ने चिन्हित की है, जो 15 पंचायतें अपने पैसों से पूरे गांव को सोलर ऊर्जा पर डाल के पूरे गाँव को कार्बन न्यूट्रल करने के बारे में पहल कर रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा, और ये जब कार्यान्वित होगा तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो भारत के नक्शे पे सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आगे आपको दिखाई देगा। और इसके लिए सारी यंत्रणा, जो डीएम हो, हमारे जिला पंचायत के सीईओ हो, हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में हम हमेशा गिरिराज सिंह जी से मार्गदर्शन लेके इसके ऊपर पहल करते रहते हैं, और उन्होंने भी हमारे मंत्रालय में कहा है कि इस काम के लिए राज्य मंत्री हमारे जो चाहते हैं उसको पूरा समर्थन देने का काम मंत्रालय के माध्यम से हो, ऐसा उन्होंने भी निर्देश दे के रखा है। और सही मायने में मैं देखा जाऊंगा तो ये जो कुछ काम मैं MOS के तौर पर कर रहा हूँ, तो हमारे मंत्री अगर गिरिराज सिंह जी का आशीर्वाद ना होता, उनका मोटिवेशन ना होता, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। और मोदी जी का जो सोच है गाँव के विकास का, वो सोच लेके हमारे मंत्री जी जब काम करने के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उससे भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच में गांव जो है वो गांव हम लोग किस तरह से खड़ा करें, इसके लिए हम लोग काम करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल सर, आपने अपनी राजनीतिक पारी के बारे में, अपने पार्लियामेंट्री सफ़र के बारे में हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात। थैंक यू। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।